Yes. ओम श्री साई राम। आज इस सेशन की पहली क्लास में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आपको तो पता है ना कि हम अपनी क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं, ओमकार से करते हैं ना, है ना? Yes. All of you join your hands. Close your eyes for Omkar. साई राम बच्चों, हृदय पे आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो कुछ बात करनी है, पहले किसी को कुछ कहना है कि लेसन स्टार्ट करें? बताओ, किसी को कुछ कहना है, बात करनी है तो कर सकते हैं। मैम, मैं आपको बताऊं, मैंने समर वेकेशन की छुट्टियों में क्या करा था? हाँ बताओ। मैंने क्राफ्ट करा था, डांस करा था, ड्राइंग करी थी, थोड़ी सी टीवी देखी थी, और राइटिंग, रीडिंग और बहुत कुछ करा था। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे। और किसी को कुछ कहना है कि लेसन शुरू करें? यस मैम। चलो लेसन शुरू करते हैं। तो आपने पेज नंबर 7 निकाला, सबके पास बुक है बेटा? यस मैम। और कैमरा ऑन करो सबका, कैमरा सबका ऑफ है, मुझे एक भी बच्चा नहीं दिख रहा। कैमरा ऑन कर लो। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है, जिसका ऑन नहीं है वो ऑन कर लो, है ना? हाँ, ताकि अगर जब जब नेटवर्क आएगा तो आप मुझे दिखोगे, है ना? तो अपनी कनेक्टिविटी बनेगी, है ना? ठीक है बेटा, चलिए। ओके, तो अब ये हमारा पार्ट 2 है, शेखी बाज मक्खी। अच्छा, मक्खी तो सबने देखी होगी, है ना? मक्खी सबने देखी है, ऐसा कोई नहीं है जिसने मक्खी नहीं देखी होगी। दो चार तो अभी आपके आसपास भिनभिना रही होंगी, है ना? क्योंकि गर्मी है। yes, तो वो अपन दरवाजा खोलते तो वो घर में घुस जाती है, है ना? देखा है ना आपने? तो जो मक्खी होती है वो तो बहुत नॉर्मल है, हम सब ने देखी है ना? अब इस ये जो हमारी जो लेसन वाली मक्खी है, ये कैसी है? शेखीबाज। शेखीबाज कौन होता है? जो खूब बढ़ चढ़ कर बोलता है ना? जो जिसमें घमंड होता है ना? जिसमें घमंड होता है और अपने घमंड के कारण खूब बढ़ चढ़ कर बोलता है। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे प्राणी को हम क्या कहेंगे? शेखीबाज। डींग हाँकता है जो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, भले करता कुछ ना हो, है ना? तो वो क्या कहलाता है? शेखीबाज। तो ये हमारी जी मक्खी मैडम थी, ये भी ऐसे ही शेखीबाज थी। अब देखे इन्होंने क्या शेखी मारी, चलो पढ़े अपन, है ना? ठीक है, आप लोग उंगली रख के मिलाओ, हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, ठीक है? चलिए। साई राम, शौर्य आ गया, यज्ञिता आ गई, हर्षित आ गया, मयूर आ गया। वेलकम 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 टू फर्स्ट क्लास। साई राम मैम। साई राम, साई राम,
इस सेशन की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए पढ़े अपन। ओके, यस। तो एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। यही दे दो, है ना। तो क्या है कि जंगल में शेर था, जंगल में तोते, जंगल का राजा होता है शेर, तो होता है ना। अच्छा, शेर का भी नाता है क्या, बताओ। शेर नाता है, नहीं नाता, कभी नहीं नाता शेर। शेर को पानी चाहिए होती है। शेर 2-3 दिन में पैदा हो गया। हाँ, शेर नाता ही नहीं है, उसको कोई बोलने वाला होता नहीं है। हमारे पास तो मम्मी होती है, बोलने वाली होती है ना। चलो नहाओ करने लगती है मम्मी, जल्दी नहाओ, है ना। और गर्मियों में तो हमारा भी मन करता है नहाने का, करता है ना। एक ही जगह हम दो दो बार नहा लेते हैं, खेल के आते हैं शाम को तब भी नहा लेते हैं ना। गर्मियों में हमें कोई नहीं रोकता नहाने से, पर वो शेर को कोई बोलने वाला ही नहीं होता है। अरे भाई नहा ले, गंदी गंदी सब सब। और वो तो जमीन पे बैठता है शेर, जंगल में तो कोई ना झाड़ू लगती है ना पोछा लगता है। हमारे घरों में तो झाड़ू पोछा लगता है ना, बहुत साफ सफाई होती है, बिल्कुल। हम फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं, है ना। हमारे घर में तो बहुत सफाई रहती है, जंगल में कौन सा झाड़ू पोछा कोई नहीं लगाता वहां पे। और शेर तो जमीन पे बैठता फिर भी नहीं नहाता, है ना। उसको पानी से बड़ा आलस होता है, शेर को जो है वो पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता है आपको। वो केवल पानी पीने जाता है बस, वो भी दूर से पानी पीता है जीभ से। आपने देखा है ना शेर को पानी पीते देखा है, है ना। नेशनल जियोग्राफी क्या डिस्कवरी पे देखा होगा आपने, शेर ऐसे ऐसे जीभ से पानी पीता है ना। जानवर जो होते हैं वो सारे जीभ से पानी पीते हैं, है ना। तो वो उसने स्नान नहीं किया था, तो अब बताइए आप, जब उसने स्नान नहीं किया तो उसके उसके शरीर से कितनी बदबू आ रही होगी ना, है ना। हम भी थोड़े देर अगर पसीने में रहे तो हमारे शरीर से भी बदबू आने लगती है। तो वो शेर तो 3 दिन से नहीं नहाया था, तो कितनी बदबू आ रही होगी। अच्छी और तो क्या हुआ, अब जहां बदबू रहती है वहां तो मक्खियां रहती है, है ना। जहां गंदगी होती है वहां क्या होता है, मक्खियां रहती है। तो वो जो मक्खी थी वो आके उसके कान के पास भिन 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 करने, मक्खी के पंखों की आवाज आती है, है ना। मक्खी जब उड़ती है तो उसके पंखों की आवाज आती है भिन 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 भिन, है ना। तो हम कहते हैं मक्खियां भिन भिन आ रही है, है ना। तो वो उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, शेर ने बढ़िया भोजन किया था और भोजन के बाद उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। हम भी खाना खाते तो हमें भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, भारी भारी लगता है ना। ऐसा लगता है सो जाओ, है ना, लगता है ना सबको। और अभी तो क्या है, गर्मी है, गर्मी के दिन है, तो दोपहर में तो लगता ही है। शायद बच्चों को नहीं लगता हो, पर बड़ों को तो थोड़ा लगता ही है, है ना। बच्चे तो मस्ती में मशगूल होते हैं, इसलिए शायद बच्चों को नींद ना आए, बड़ों को तो आती है ना। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। एक मिनट बच्चों, हाँ एक मिनट।
मैम आपका माइक ऑफ है। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ हाँ बेटा, एक स्टूडेंट का फोन आ गया था, बच्चे का, सुमीर का फोन आ गया था, इसलिए है ना। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो अच्छा, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, देखो जब मक्खी हमारे आसपास भिन-भिन आती तो हम ऐसे ऐसे करते करते हैं ना, करके देखो करके देखो। समझो आपके पास मक्खी भिन-भिन आ रही है, करते हैं ना अपन। और नॉर्मली क्या होता है, मक्खी या मच्छर हमारे कान के आसपास ज्यादा भिन-भिनाते हैं, है ना। तो हम ऐसे 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 करते हैं। तो भाई नॉर्मली शेर भी ऐसे ही कर रहा था, है ना। लेकिन जैसे उसने एक बार ऐसे किया तो वो उड़ गई, उड़ गई। अब शेर फिर बैठ गया, थर्ड भी का है, इसकी नहीं भेज, सेकंड वाले इसकी। 9 बजे, 9 बजे। तो अब उसने फिर जब ऐसे किया, वो उड़ गई, उड़ गई तो वो रुक गया, रुक गया तो फिर से आ गई। वो मक्खी जो थी वो फिर से आ गई और फिर से भिन-भिन भिन-भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब भाई किसी को भी गुस्सा आएगा, आएगा ना, बार बार कोई आके कान के पास भिन-भिन भिन-भिन करेगा, हमारी नींद डिस्टर्ब करेगा तो गुस्सा तो आएगा। नींद में डिस्टरबेंस किसी को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना। तो वो दहाड़ा, दहाड़ा मतलब शेर जो चिल्लाता है, शेर की जो आवाज होती है उसको कहते हैं दहाड़ना, है ना। आपको पता है ना, आपको पता ही होगा कि शेर की आवाज जो होती है दहाड़ना। जैसे हाथी की आवाज को क्या कहते हैं, चिंगाड़ना, है ना। गाय की आवाज को क्या कहते हैं, रंभाना, है ना। और गधे की आवाज को क्या कहते हैं, ढैचू। ढैचू करता है गधा, है ना। वैसे ही शेर की आवाज को क्या कहते हैं, दहाड़ना। तो शेर दहाड़ा और शेर का दहाड़ना, सब कांप जाते हैं एकदम, क्योंकि बड़ा जोरदार होता है। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा, ऐसा चिल्लाया वो। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब वो कहां इतनी सी मक्खी, है ना, और कहां इतना बड़ा शेर। शेर को इतनी सी मक्खी को मारना शोभा देता है क्या? तो वो बोली मक्खी कि तुम जंगल के राजा हो और तुम ऐसी बात कर रहे हो कि मैं तुझे मार डालूंगा, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। चलो नेक्स्ट पेज। जब शेर ने वो इतनी सी मक्खी की ऐसी बात सुनी तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। शेर ने धमकी दी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो मक्खी में कितनी हिम्मत है, इतनी सी मक्खी है वो, है ना, और उसमें कितनी हिम्मत, शेर को चुनौती दे रही है वो, लड़ाई की, युद्ध की, कि आ जाओ मैं तुमसे युद्ध कर लूंगी, हिम्मत है तो आ जाओ, ऐसी वो उसको धमकी दे रही है। अब इतनी सी मक्खी अगर शेर को धमकी देगी तो शेर का गुस्सा और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। शेर तो वैसे ही गुस्से वाला प्राणी होता है ना, उसको गुस्सा बहुत आता है और जल्दी भी आता है, राजा है भाई वो जंगल का, है ना। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना बच्चों ये एक मुहावरा है, क्या है, मुहावरा, कहावत है, मुहावरा है। आग बबूला मतलब जब हम गुस्से से बहुत लाल हो जाते हैं,
हमारी आंखें चढ़ जाती हैं, हमारी आंखों में गुस्सा आ जाता है। आंखें फैलाओ, सब अपनी आंखें फैलाओ। हाँ, जब ऐसे हो जाते ना, बिल्कुल हम आग बबूला हो जाते हैं, हाँ, तो उसको कहते हैं मुहावरा है ये, आग बबूला हो जाना। आग दहकती है ना, दहकती है ना आग, जब हम देखते लाल लाल होती है, आग होती है ना लाल, जब हम कोयला या कंडा जलाते हैं तो वो लाल हो जाता है जल के, वैसे उसी के ऊपर से बना है आग बबूला हो जाना, मतलब बहुत अधिक गुस्सा आना, हद से ज्यादा गुस्सा आ जाना, है ना। उसने कान के पास पंजा मारा, कान के पास, आप सब मारो अपने कान के पास, आपका पंजा कहाँ है, ऐसे, है ना, कान के पास पंजा मारा। अब देखो, मक्खी आ गई। हाँ, अब देखो भाई, हमारे नाखून तो छोटे छोटे हैं, है ना, हम तो समय समय पे काटते रहते हैं। निमेश नींद आ रही के बेटा, नींद आ रही है निमेश, नहीं ना, हाँ, तो हमारे नाखून तो छोटे छोटे हैं, है ना, क्योंकि हम समय समय पे उनको कट करते रहते हैं, करते रहते हैं ना। शेर कभी नाखून काटते हैं क्या? शेर के पास कौन सा नेल कटर होता है बताओ जरा, होता है क्या कोई नेल कटर हमारे घर? नो मैम। है ना, हाँ, शेर के पास कोई नेल कटर नहीं होता है, हाँ, उसको काटना आता ही नहीं है, और वो काटेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो नाखून है वही तो उसके हथियार है, उसी से तो वो शिकार करता है, करता है ना। अगर वो नाखून काट लेगा तो कैसे चलेगा भाई, शिकार ही नहीं कर पाएगा, और शिकार नहीं कर पाएगा तो वो खाएगा क्या, है ना, क्योंकि वो थोड़ी ना मंचूरियन और चाउमीन और नूडल्स खाता है, खाता है क्या, है खाता है क्या, वो पिज्जा खाता है क्या, वो तो दूसरे जानवरों को मार के खाता है ना। शेर क्या करता है, दूसरे जानवरों को, हाँ, उनका पिज्जा बना देता है एनिमल, हाँ, उनका पिज्जा बना देता है ना। तो शेर ने ऐसा पंजा मारा, पंजा मारा तो उसके नाखून जो है उसी को लग गए भाई, उसके नाखून उसी को लग गए, और उसका कान जो है वो छिल गया। अब मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, अब वो कान से हटके नाक पे आपके बैठ गई, तो उसने फिर पंजा मारा, फिर पंजा मारा तो क्या हो गया, मक्खी तो उड़ गई, अब की बार नाक छिल गई। अरे भगवान, कभी कान छिल गया, कभी नाक छिल गई, अपने ही हाथ से अपने ही मुंह पे मार रहा है वो, है ना। हाँ, कोई सोचेगा देखो कैसा पागल हो गया शेर, अपने ही आपको मार रहा है, पर किसी को क्या पता कि वो मक्खी जो है वो उसको परेशान कर रही है ना। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। सबका माथा कहाँ है बताओ मुझे, माथा कहाँ है, माथा कहाँ रहता है, हाँ, ये माथा रहता है ना, माथा मतलब हमारा फोरहेड, मैम उसको फोरहेड भी बोलते, फोरहेड भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, गाल, गाल कहाँ है, खींचो अपना गाल, खींचो खींचो अपना गाल, लाड़ से भी कोई कोई हमारे गाल खींचते हैं ना, बच्चों के गाल खींचते हैं ना लाड़ से, ऐसे ऐसे करते हैं, ओली ओली बेटा, ऐसे करते हैं ना, हाँ। तो अच्छा, गर्दन कहाँ है सबकी, है सबके पास गर्दन, कहाँ है गर्दन, छिवी है तो गला है, गले के पीछे गर्दन होती है, ये तो गला है, ये गले के पीछे गर्दन होती है, हाँ, सामने का हिस्सा गला कहलाता है, पीछे का हिस्सा गर्दन कहलाता है ना, ठीक है, हाँ, मतलब सब, हाँ, सबके पास है, मुझे लगा किसी किसी के पास नहीं होगा शायद, है क्या ऐसा, सबके पास है गाल, गर्दन और माथा, सबके पास है ना, चेक कर लो भाई सब लोग, नहीं हो किसी के पास, नाम पास, हाँ, है सबके पास है, सबके पास है। अच्छा, नाम चलो आगे बढ़ते। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती है ना,
मक्खी तो झट से उड़ जाती है, अब वो जहां जहां बैठती वहां शेर पंजा मारता, और पंजा मारता तो उसके नाखून उसी को लग जाते। अंत में शेर ऊब गया, ऊब जाना मतलब बोर हो जाना, है ना। ऐसे उसको भगाते भगाते, मक्खी को भगाते भगाते शेर ऊब गया, थक गया। वैसे ही बेचारे ने खाना वाना खाया हुआ था तो उसको वैसे ही आलस आ रहा था, नींद आ रही थी और ये मक्खी परेशान किए जा रही थी, तो वो थक गया, ऊब गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। उसने सरेंडर कर दिया, शेर ने क्या किया, सरेंडर कर दिया कि भाई अब मेरी जान छोड़ो, तुम जीती मैं हारा। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब भाई मक्खी को और घमंड आ गया कि उसने क्या किया है, शेर को हराया है, है ना। शेर सबसे बड़ा जंगल का राजा, उसको हरा दिया तो उसको खूब ज्यादा घमंड आ गया। सामने एक हाथी मिला, है ना, हाथी मिला तो मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अरे बाप रे, कितना बड़ा काम किया, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी तो बहुत बुद्धिमान होता है ना, सारे जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन होता है, हाथी, है ना, सबसे इंटेलिजेंट होता है। तो देखो उसने उससे बहस करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हाँ, आपने माय असेसमेंट में भी एक स्टोरी सुनाई थी, एलिफेंट अच्छा काम किया। हाँ सुनाई थी, अंडे वाली, गरुड़ के अंडे वाली, है ना। उसमें पत्थर नहीं रखा, हाँ पत्थर रखे नहीं, हाथी ने पत्थर गड्ढे में नहीं रखे थे, है ना, आप लोगों को याद होगा, है ना। हाँ, तो हाथी जो होता है वो सबसे इंटेलिजेंट प्राणी होता है। तो हाथी ने सोचा कि कौन इस मक्खी से बहस करे, इतनी सी मक्खी, हाँ जा तू जीत गई, जा तू राजा है। हाथी ने सूंड उठाकर, ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम कर दिया कि ले जा तू ही राजा, और आगे बढ़ गया। उसने उससे फालतू बहस नहीं की, जा तू ही जा, तू जीती मैं हारा। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अच्छा, जैसे हाथी इंटेलिजेंट होता है वैसे लोमड़ी कैसी होती है, चालाक। हाँ बहुत चतुर चालाक होती है लोमड़ी, बहुत चालाक होती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति चालाक होता है तो हम उसको बोलते ना, बड़ा लोमड़ी जैसा चालाक है ये, ऐसा बोलते हैं, है ना, लोमड़ी को की उपमा देते हैं उसको, है ना। तो लोमड़ी ने क्या किया था। हाँ 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 करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो सबने देखा कि भाई, ले सॉरी, लोमड़ी ने देखा जो सामने से आ रही थी, उसने सब देखा, शेर वाला किस्सा भी देखा, हाथी वाला किस्सा भी देखा, लोमड़ी ने चुपचाप सब देखा और वो मंद मंद मुस्कराने लगी, वो धीरे धीरे हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब मक्खी को लोमड़ी नजर आ गई, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। लो भाई, मक्खी में और घमंड आ गया कि मैंने पहले तो शेर को हराया, अब इतने बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया, तो ये लोमड़ी किस खेत की मूली है, है ना। लोमड़ी को भी बोला कि चल तू भी मुझे प्रणाम कर। अगला पेज देखो बेटा, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, लोमड़ी तो चालाक है, है ना, वो ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाली है मक्खी को। हाँ हाँ, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। उसने मक्खी को और चढ़ाया, चने के झाड़ पे चढ़ाया मक्खी को, है ना, और उसकी तारीफ करी कि
हे मक्खी धन्य हो, मक्खी रानी धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपका आपके माता पिता। उसने खूब और झूठी तारीफ की मक्खी की। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो। मक्खी लोमड़ी ने क्या किया, मक्खी को विदा दिया। अच्छा, मकड़ी क्या करती है, जाल बना के रहती है, रहती है ना, खूब लंबा चौड़ा जाल बनाती है मकड़ी ना, मकड़ी कोई आए तो उसे फंस जाए, फिर उसको खा ले। हाँ, ताकि कोई भी कीड़ा पतंगा मक्खी मच्छर आए तो उस जाल में फंस जाए, चिपक जाए, और फिर मक्खी क्या, मकड़ी क्या करे, मकड़ी क्या करती है, फिर जाए खा जाती है, खा ले। हाँ, उसको खा जाती है, मकड़ी का भोजन बन जाता है, वो जो भी कीड़ा हो वो मकड़ी का भोजन बन जाता है ना। तो इसीलिए तो लोमड़ी ने उसको उकसाया है ना, इसीलिए लोमड़ी ने उकसाया उसको। वो देखो, वो सामने जो मकड़ी है ना, वो आपको गाली दे रही, गाली मतलब बुरे शब्द बोलना है ना, बुरा बोलना, वो आपको बुरा बुरा बोल रही थी, जरा उसकी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। जब मक्खी ने परेशान किया तो शेर गुस्सा हो गया था, और अब जब लोमड़ी ने उसको उकसाया तो मक्खी खुद गुस्सा हो गई है ना, मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। चुटकी बजाना आता है सबको, बजाओ चुटकी, बजाओ। हाँ, सबको आता है, सबको आता है। ये पीछ वाली आमिश, पीछ वाली उंगली और अंगूठा, बजाओ बजाओ। ये बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर और थम, इसको जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो आवाज आती है ना। हाँ, तो चुटकी बजाना मतलब, चुटकी बजाते काम करना मतलब बड़ी आसानी से काम कर लेना, क्योंकि चुटकी बजाना बहुत आसान होता है ना। तो चुटकी बजाना ये भी एक बेटा मुहावरा है, ये भी एक मुहावरा है कि चुटकी बजाते खत्म करना या चुटकी बजाते काम करना मतलब आसानी से काम कर लेना, बहुत जल्दी काम कर लेना, ठीक है। तो मक्खी ने क्या बोला, मैं चुटकी बजाते उसे खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। यही तो लोमड़ी चाहती थी है ना, लोमड़ी यही तो चाहती थी कि मक्खी उड़ते हुए गई और सामने जाला था, मक्खी को दिखाई नहीं, तो वो जाले में जाके चिपक गई और फंस गई। और एक बार जो मक्खी के जाले में फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है, कोई भी कीड़ा हो पतंगा हो कुछ भी हो है ना, तो वो मकड़ी के जाले में अगर फंस जाता है तो मकड़ी के जाले के जो धागे होते हैं उनमें ऐसा कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसके कारण चिपक जाता है। मैम, हाँ, वो स्पाइडर, वो मकड़ी, वो अपने थूक से बनाती है वो। हाँ, अपने थूक से बनाती है, तो जो ग्लू जैसा होता है, जैसे अपन फेविकॉल या ग्लू इस्तेमाल करते हैं ना, तो मकड़ी का जो थूक होता है ना वो ग्लू जैसा होता है ना, तो वो ग्लू में तो कोई भी चिपक जाएगा है ना, तो वो मक्खी जाके वहां चिपक गई। मक्खी जाले से उठने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अब वो क्या, वो छटपटाने लगी मक्खी है ना, ऐसे ऐसे छटपटाने लगी, और जब वो छटपटाने लगी वो और चिपकने लगी, छूट ही नहीं पाई वो। अंत में वह थक गई और हार गई, नहीं निकल पाई वो है ना, वो उस जाले को तोड़कर नहीं निकल पाई और थक गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लोमड़ी ने देखा कि जब मक्खी
खुद ही अपने जाल में फंस गई है, मकड़ी के जाल में फंस गई है। क्यों? किस वजह से? घमंड की वजह से, है ना, घमंड के कारण। घमंड किया मक्खी ने कि मैंने शेर को हरा दिया, मैंने हाथी को हरा दिया, मैंने लोमड़ी को हरा दिया, तो वो इतने से मकड़ी के जाल में फंस गई। तो बच्चों, घमंड के कारण क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है वो काम करना बंद कर देती है, है ना। और गुस्सा भी, हाँ, सबसे बुरा होता है गुस्सा। गुस्सा तो हमारी सोचने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। और मैम डर भी होता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है गुस्सा। ठीक है बेटा, तो ये हुआ लेसन, है ना। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। 2 मिनट बच्चे शांत बैठे रहो, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। ओके बेटा, कल का अपडेट चेंज करनी पड़ेगी ना। चलिए अपन बाद में कर लेंगे। आ रही हूँ बेटा, 2 मिनट बस। ओके, हो गई अटेंडेंस, हो गई। और क्या है, वो गूगल मीट चेंज हो गया है ना, तो उसकी अटेंडेंस भी चेंज हो गई है, ठीक है। यस, चलो, तो ये हुआ बच्चों अपना लेसन, ठीक है। ये हो गया अपना लेसन, शेखी बाज मक्खी। इस लेसन से हमने क्या सीखा कि हमको कभी नाम के अनुसार ही हमको शेख ही नहीं बगाड़ना चाहिए बिना बात। भाई दूसरे हमारी तारीफ करे वो ज्यादा बेहतर है, वनस्पति हम अपनी खुद तारीफ कर लें, है ना, ठीक है। हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि दूसरे हमारी तारीफ, है ना। ऐसा काम करो कि सामने वाला मजबूर हो जाए हमारी तारीफ करने के लिए। खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ। जैसे मिट्ठू कैसे अपना ही बोलता रहता है, मिट्ठू 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 मिट्ठू, है ना। तो खुद ही अपनी तारीफ करने की, शेख ही बगाड़ने की बजाय दूसरे हमारी तारीफ करें वो ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो शेख ही नहीं बगाड़ना है, दूसरा हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं, है ना। अब शेर इतना बड़ा, मक्खी इतनी छोटी, अब वो फिर भी उसको हराने के लिए लगी हुई है, कोई जरूरत है क्या जरूरत बताओ। हाँ,
जरूरत थी कोई उसको हराने की? नो मैम। चुपचाप अपने रास्ते जाती, शेर को चुपचाप सोने देती, है ना? तो ना मकड़ी के जाल में फंसती ना मरती, पर नहीं, किसी किसी को होती है, किसी किसी को, किसी किसी की आदत होती है कि जबरदस्ती जाके किसी के फटे में टांग अड़ाना, है ना? ऐसे ही मक्खी ने क्या किया, जबरदस्ती जाके शेर से पंगा लिया, शेर से तो लिया। हाँ, एक दिन मैं ना मैं अपनी छत पे था तो एक पैरोट है ना, मैंने मिट्टू बोला ना, तो उसने भी है ना अपने मुंह से मिट्टू बोला। हाँ, तो ये तो बोलते हुए ना बेटा, कहावत ही है अपने मुंह मियाँ मिट्टू, क्योंकि मिट्टू अपना ही नाम बोलता है, मिट्टू 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 मिट्टू, है ना? तो इसीलिए जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है उसको क्या बोलते हैं, या तो उसको शेखीबाज बोलते हैं, या तो बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू, है ना? कि अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हैं, है ना? तो दूसरी बात तो ये है। हाँ बोलो। मैं मक्खी ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, यस करेक्ट। एक और मुहावरा आया, देखो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, है ना? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मतलब अपना नुकसान खुद कर लेना, है ना? तो और एक बात आती है कि गुस्सा भी नहीं करना है, अननेसेसरी गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा इतना भी नहीं करना है कि हमें कुछ सूझे ही नहीं। थोड़ा बहुत गुस्सा सबको आता है ना? जब हमारे मन की बात नहीं होती है तो थोड़ा बहुत गुस्सा सबको आता है, पर गुस्सा इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा खुद का नुकसान हो जाए। क्योंकि गुस्सा करने, जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम बाकी कुछ नहीं सोच पाते हैं, हमारी जो बुद्धि होती है वो स्टॉप हो जाती है, सोचना बंद कर देती है। तो गुस्सा जो है वो सबसे नुकसान वाला फीलिंग है, गुस्सा सबसे नुकसानदेह होता है। अननेसेसरी गुस्सा नहीं करना, थोड़ा बहुत ठीक है, जब हमारे मन की बात नहीं होती है तो थोड़ा हम करते हैं वो ठीक है, थोड़ा बहुत। देखो, किसी भी बात की अति जो होती है वो बुरी होती है ना? अति शांत रहना भी नुकसानदेह होता है और अति गुस्सा करना भी नुकसानदेह होता है, ठीक है? और एक बात कि किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है? सबकी अपनी अपनी जगह है, चाहे वो मक्खी हो चाहे वो मच्छर हो, सबको एक पर्पस के हिसाब से ईश्वर ने बनाया है, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं, सबको अपना अपना काम करना है और वापस जाना है, ठीक है ना? तो मक्खी ने क्या किया? हाँ बोलो। मैम, शेर ने अपना हथियार अपने ऊपर ही मार लिया। शेर ने क्या किया, मक्खी को भगाने के चक्कर में उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने आप को ही घायल कर लिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप अपने आप को ही घायल कर लो, अपना ही नुकसान कर लो, अपने को ही चोट पहुंचा लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मक्खी का क्या गया, मक्खी तो उड़ गई, शेर के नाक में कान में सब जगह उसको खरोंचे आ गई उसी के नाखूनों से, है ना? तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। इसी को कहेंगे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जैसे आमिश ने कहा, है ना? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को ही घायल कर लेना, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देना, है ना? तो इस पाठ से देखो हमें कितनी सारी बातें समझ में आई, ठीक है? इस पाठ से कितनी, एक तो खुद अपनी तारीफ नहीं करो, खुद शेखी मत बगाड़ो, नहीं तारीफ ठीक है पर शेखी नहीं, अननेसेसरी शेखी नहीं बगाड़ना। दूसरी बात, गुस्सा नहीं करना, अपने आप को खूब ज्यादा बड़ा नहीं समझना, सबका स्थान है, सबका अपना अपना अपनी अपनी जगह है, गुस्सा नहीं करना और लोमड़ी की तरह चतुर चालाक रहना। हाँ,
लोमड़ी की तरह चालाकी से काम लेना, बुद्धि से काम लेना और अपने आप को मुसीबत से निकालना। जब हम बुद्धि से चालाकी से काम करेंगे तभी तो किसी मुसीबत से बाहर पड़ेंगे, नहीं तो वो तो फंस जाएंगे मुसीबत में, है ना। तो हाँ, किसी चीज की तारीफ करे ना करे लेकिन लोमड़े के दिमाग की तो तारीफ करनी पड़ती है किसी ना किसी। बिल्कुल करनी पड़ती है, बिल्कुल लोमड़ी के दिमाग की तारीफ तो बिल्कुल करनी पड़ती है। लोमड़ी के दिमाग की तारीफ करनी पड़ती है, हाथी के भी दिमाग की तारीफ करनी पड़ती है, हाथी की ताकत की भी तारीफ करनी पड़ती है ना, और शेर की भी। भाई शेर तो जंगल का राजा है ना, उसके सामने कोई नहीं टिकता, हाथी भी नहीं टिकता, कभी कभी तो हाथी को भी मार गिराता है वो, है ना। तो शेर ताकतवर भी होता है और शेर बुद्धिमान भी होता है, पर शेर से ज्यादा बुद्धिमान हाथी होता है। हाथी जो है वो सारे जानवरों में सबसे बुद्धिमान होता है। तो देखो एक ही, हाँ हाँ आमिश आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। बुद्धिमान हो सकता है वो तो सारी चीजें गुस्से से करता है। कौन? शेर। नहीं नहीं हर बार नहीं करता बेटा, जब वो शिकार करता है तो आपने देखा है वो शिकार को कैसे घेरता है ना। शिकार को जब शिकार करना होता है, हाँ बोलो हृदय। मैम मैंने हाथी का शेर भी देखा था जू में। हाँ वेरी गुड। तो जो शेर जब शिकार करता है तो उसको वो प्लान बनाता है, वो प्लानिंग के अंतर्गत शिकार करता है। तो शिकार प्लानिंग करने में भी तो बुद्धि चाहिए ना आमिश, किसी भी चीज की प्लानिंग करने में बुद्धि चाहिए, चाहिए ना। तो शेर बुद्धिमान भी होता है ना, प्लानिंग करके शिकार करता है, जब ही तो वो खाना खा पाता है, नहीं तो खाना कैसे खाएगा वो, उसका तो खाना ही दूसरों के ऊपर डिपेंड है। जब वो किसी को, किसी जानवर को मारेगा, शिकार करेगा जानवर का, तब वो खाना खा पाएगा। कोई वो घास फूस थोड़ी खाता है, आता है क्या कि नहीं। शेर की मम्मी रोटी बना रही है, शेर की मम्मी सब्जी बना रही है, ऐसा होता है क्या कभी? उसको तो जब, और शेर की बहुत अच्छी आदत होती है कि जब उसको भूख लगती है वो तभी शिकार करता है, जब उसको भूख लगती है तब वो शिकार करता है और अपना खाना खाता है और बाकी का खाना दूसरों के लिए छोड़ देता है। तो दूसरे जानवर जो होते हैं, अनाज वगैरह ये जो होते हैं, गिद्ध होते हैं, है ना, ये लोग वो बचा हुआ खाना वो लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो चलो लेसन आपको समझ में आया, पाठ समझ में आ गया आपको, ठीक है। और अपन ने इससे, इस पार्ट से बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें सीखी हमने, बहुत सारी बातें सीखी बेटा। हर बात कुछ ना कुछ बात हमको सिखा जाता है, इसीलिए तो उसका नाम है लेसन, है ना। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? लेसन। और हिंदी में कहते हैं पाठ। जो पाठ वो सबक हमें देता है, हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है, ठीक है। मजा आया लेसन पढ़ने में। अब इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करना है सबको, ठीक है। इसकी रीडिंग करना है, रीडिंग टेस्ट लेंगे आपका, है ना, ठीक है। ओके मैम। मैम बोलो, किसी को कुछ कहना है? ओके मैम। यस मैम। मैम ये अगर अगर शेर दोषी ने लिखना आप पे ना कूद के झपटा मार लेता है। हाँ बिल्कुल सर। मैम ये कविता योगेश जोशी ने लिखी है ना? हाँ बेटा, हाँ ठीक है, चलो। और किसी को कुछ कहना है? नो मैम। मैम बेटा, मैम मैं बोल रही थी कि जो प्रफुल्लता मैम, मतलब शिखा मैम क्यों नहीं आई? शिखा मैम पता नहीं बेटा मुझे क्यों नहीं आए, आज उनका पीरियड था, उनका मेरा अरेंजमेंट लगाया था, इसीलिए मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया, है ना। वैसे तो आपको हिंदी जो है वो प्रफुल्लता मैम पढ़ाएंगी। कौन पढ़ाएगा? प्रफुल्लता मैम।
है ना, पर जैसे कभी ये वाला लेसन हम हमने पढ़ा था। पढ़ा था ना। हाँ ठीक है, तो आप इसकी और रीडिंग करना, ठीक है, फिर मैम आपका रीडिंग टेस्ट ले लेंगी। जब भी अरेंजमेंट लगेगा तो मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगी, ठीक है, ओके। हाँ बोलो बोलो तो आसिफ। मैं हमेशा है ना ट्यूशन में वो ये थर्ड क्लास की हिंदी की कॉपी का एक पार्ट रीडिंग कर कर लिखता हूँ। अच्छा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। चलिए तो क्लास खत्म करें आप, ऑल ऑफ यू मैम। जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। ओम शांति 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 ही। मैम।